बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है। वेरी गुड सुनता नहीं ना कल तो वेरी गुड आफ्टरनून। आज विश्वकर्मा सभा में बख्शी नगर हम लोग यहाँ पर एक कार्डियो फ्री कैंप के लिए आए हैं, जो कि डॉक्टर सुशील शर्मा जी ने यहाँ पर सेट लगाया हुआ है। एंड वी आर रियली थैंकफुल कि वो ऐसे फ्री कैंप्स रख के हम सब लोगों के लिए अवेलेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी लोग आके अपना इलाज करा सके, और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पे आके डायग्नोज करा सके। थैंक यू सर। ये मेडिकल कैंप चल रहा है यहाँ पे, हमारे माननीय डॉक्टर सुशील शर्मा जी हैं, डॉक्टर अली जी हैं एंड डॉक्टर यशवंत जी हैं, और बाकी हमारी सारी रिप्रेजेंटेटिव की टीम है हमारी। तो बाकी यहाँ पे जम्मू में ये कैंप चल रहा है अभी, तो फ्री दवाइयाँ हम दे रहे हैं, फ्री चेकअप चल रहा है। तो ये बेसिकली हार्ट का कैंप है, हार्ट हार्ट या फिर जनरल कोई भी दिखा सकता है यहाँ पे, मतलब सारी ECG BP वगैरह, शुगर, डायबिटीज़, सारा चेकअप, सारा सेटअप है हमारे पास। बाकी कोई भी आ जाए यहाँ पे, एंड सारा चेकअप चल रहा है यहाँ पे, तो कोई भी आके दिखा सकते हैं। हमारा कैंप लगाने का मकसद यही रहता है कि पेरिफेरी में जितने एरियाज हैं जो इंटरलेस कनेक्टेड हैं, वहाँ तक लोगों को एक आउटरीच प्रोग्राम दिया जाए, उनको गाइड किया जाए कि हार्ट के इश्यूज जो हैं कैसे प्रिवेंट करने हैं। प्रिवेंशन जो है वो 50% रोल प्ले करता है आपके हार्ट डिजीज़ को कम करने के लिए। और प्रिवेंशन में हम अगर देखें तो दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट डिजीज़ के में, एक हो गया मॉडिफाइबल, अनदर इज़ नॉन मॉडिफाइबल। कुछ चीज़ें जैसे आपकी एज है उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, आपका जेंडर है, मेल्स में ज़्यादा चांस होते हैं हार्ट डिजीज़ के, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। कुछ रेस जैसे हम साउथ ईस्ट एशियंस में हार्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मॉडिफाई की जा सकती हैं। उनमें आपका BP सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, आपका शुगर, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लेस एक्टिविटी जो है वो एक मेजर रिस्क फैक्टर है, आपका जंक फूड्स का या स्वीटनर्स का इंटेक ज़्यादा, इस पे हम कर्व कर सकते हैं। आपकी एक्टिविटी लेवल कम से कम 40 मिनट्स पर डे आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, चाहे वो ब्रिस्क वॉक करो, स्विमिंग करो, जॉगिंग करो, और एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल अपना अपनाने की कोशिश करो। उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ योगा या साइकिलिंग, जॉगिंग,
आर ट्रेडमिल टाइप जो भी आप कर सकते हो, और ट्राई टू हैव ए प्रॉपर बायोलॉजिकल क्लॉक। रात को आप जल्दी सोएं, मॉर्निंग में जल्दी उठें, 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद करें, और इंटर जो मील्स हैं बीच में जो बिटवीन, बिना भूख के अननेसेसरी ओवर फीड ना करें अपने आप को, और अपना एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रखने की कोशिश करें, और रेगुलरली अपने ब्लड शुगर्स, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और अपना डायबिटिक जो प्रोफाइल है वो प्रॉपर उन पर नज़र रखें। एवरी 6 मंथली रूटीनली कार्डिक चेकअप जरूर कराएं और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें बाय एक्टिविटीज़ एंड बाय। नमस्कार, मैं राकेश चल्होत्रा, प्रेसिडेंट विश्वकर्मा सभा बख्शी नगर। आज यहाँ पर एक हृदय रोगी का कैंप लगाया गया है डॉक्टर सुशील शर्मा जी के मिलकर, तो इनका टाइम किसी को नहीं मिलता, लेकिन हमने अप्रोच की और बहुत मुश्किल से इनसे टाइम लिया और यहाँ पर गरीब लोगों के लिए हमने यहाँ पर कैंप लगाया। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर, कम से कम 250 लोग इस समय तक चेक करवा चुके हैं, और हम चाहते हैं कि इसका फ़ायदा पूरे समाज को मिले, ना कि किसी एक को। तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो इनका टाइम, इनसे टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए हमने कोशिश की और इनसे मिलकर कोशिश की, तो इनसे आग्रह किया कि यहाँ पर आकर एक छोटा सा कैंप लगाएं, तो इन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और यहाँ पर आकर एक छोटा सा कैंप लगाया जिसमें 250 लोगों ने अभी तक चेकअप करवाया है। और यहाँ बख्शी नगर विश्वकर्मा सभा में आदरणीय डॉक्टर सुशील शर्मा जी का हृदय का कैंप है। डॉक्टर साहब इतने सामाजिक हैं कि हर जगह ये कहीं ना कहीं अपना कैंप लगाते ही रहते हैं, लोगों का ECG फ्री, ब्लड शुगर फ्री, टेस्ट तो करते करते हैं, दवाई भी वितरित करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सामाजिक हैं। तो ये हुआ कि ये क्या कहते हैं, राकेश जी और जगदीश जी के आग्रह पे आज यहाँ पे ये डॉक्टर जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखिए, कैंप्स तो हम लोग करते ही हैं, पर चूँकि आज इस मंदिर में हैं, राकेश जी हैं, जगदीश जी हैं, इनके आग्रह पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। मकसद तो यही है कि लोगों को इवेल्यूएट करें और उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम करते हैं कि किस किस्म की फैक्टर्स को देखा जाए और किस किस्म के फैक्टर्स को ठीक किया जाए कि हार्ट की बीमारियाँ कम हों। जनरली अर्बन एरियाज़ में कंसर्न हमारा ये है कि जो एनवायरनमेंटल फैक्टर हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन स्पेस, या किसी भी स्पेस का धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, शहर धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं, और एक प्रॉपर जगह भी नहीं है लोगों के लिए चलने की, या जिसको हम वॉकिंग स्पेस कहते हैं, उस किस्म की चीज़ें जो पुराने शहर हैं या सिटीज़ में हैं उनकी कमी है। ये सारे फैक्टर्स हैं, हार्ट की बीमारियों को कैसे दुरुस्त किया जाए, बाकी चीज़ें तो हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, मोटापन, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस के लेवल का बढ़ना, ये सारे से रिस्क फैक्टर्स हैं, या जेनेटिक हिस्ट्री है जिन लोगों में हार्ट की बीमारियों की, उनके बारे में भी लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। और मकसद तो यही है इसी प्रयास का कि एक जो ग्लोबल बर्डन है और उसके साथ साथ हमारे जम्मू में भी जो हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं उनको कैसे देखा जाए, और एक लेवल जो अवेयरनेस का है लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए कि किन चीज़ों को हम ठीक करके हार्ट की बीमारियों से